अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पककोड। अगर आपकी सिम को पककोड लग जाता है तो वो किस तरह से खुलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है अमजद दंगेजो और आप देख रहे हैं सब मालूमात। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में दे दूँगा मैं। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन पककोड होता है वो होता है 999999। 8 मरतबा आपको 99 का हिस्सा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 4 दफ़ा 0, उसके बाद फिर 4 दफ़ा 0, उसके बाद आप ओके कर दें तो आपकी सिम खुल जाएगी और आपका पककोड हट जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दोस्तों तकरीबन ये जेज में तो लग जाता है, वारिद में लग जाता है, बाकी नेटवर्क पर मैंने जो है इसको आजमाया नहीं है। लेकिन जेज और वारिद में आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट पककोड लगाते हैं, आपकी सिम को पककोड लग जाता है, पक वन हो या पक टू हो, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 9 लगाएंगे, 8 दफ़ा 9 का हिस्सा लगाएंगे तो आपका पककोड लग जाएगा। उसके बाद आपको 4 दफ़ा पिन देना है, उसके बाद फिर आपको 4 दफ़ा पिन देना है। अगर आप ये देंगे तो आपकी सिम खुल जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है, अगर आप इसका करेंगे तो आपकी सिम खुल जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी सिम नहीं खुलती है तो फिर आपको दूसरी सिम से हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ेगी कि भाई मेरी सिम को पककोड लग गया है। तो वो आपको पककोड अपना बताएंगे और आपको तरीक़ेकार भी बताएंगे कि भाई इस तरह से आप पककोड लगाएं, आपकी सिम खुल जाएगी। दोस्तों कॉल सेंटर पर कॉल करेंगे, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि ये जिसके नाम पर सिम हो वही बंदा कॉल करे, या वो आपसे NIC मांगेगा या आपसे कुछ मांगेगा, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। सिर्फ आपने उसको नंबर बताना है और आपको वो पककोड बताएगा। पककोड के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि सिम के ओनर का नाम बताएं या सिम के ओनर की NIC नंबर बताएं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ आप कॉल सेंटर कॉल करके आप पककोड मांगेंगे, वो आपको पककोड दे देंगे। अगर आपकी जोंग की सिम को पककोड लग गया है तो भी आप 310 पर कॉल करेंगे, कॉल सेंटर वो आपको पककोड दे देंगे। अगर आपकी यूफोन की सिम है उस पर भी आपका पककोड लग गया है, किसी भी नेटवर्क की सिम हो अगर आपकी सिम को पककोड लग जाता है तो आप कॉल सेंटर पर कॉल करें और उनको नंबर बताएं सिम का, वो आपको डायरेक्ट पककोड बता देंगे। पककोड आप जैसे इंटर करेंगे उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट पर 4 दफ़ा 0 इंटर करना होता है, 2 दफ़ा, तो वो जैसे ही आप 0 इंटर करेंगे 2 दफ़ा तो आपकी सिम खुल जाएगी। सिम खुल जाएगी लेकिन आपकी सिम को फिर भी पिन कोड लगा हुआ होगा, वो पिन कोड आपको डिसेबल करना होगा। वो कहाँ से डिसेबल करना होगा, वो आपको सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी से पिन कोड को बंद करना होगा। वहाँ आपको 4 दफ़ा 0 लगाकर पिन कोड को बंद करना है। वो जैसे ही आप पिन कोड को बंद करेंगे उसके बाद मोबाइल को आप रीस्टार्ट करें, आपसे कोई पिन कोड नहीं मांगा जाएगा। अगर आप इसको बंद नहीं करते तो फिर ये हर दफ़ा जब भी आप मोबाइल को बंद करके ऑन करेंगे तब आपसे ये पिन कोड मांगा जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको किस तरीके से समझाया कि आप पिन कोड किस तरह से एंटर करते हैं और किस तरह एंटर करना चाहिए।